नमस्कार मित्रों, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। जी हाँ, 10x10 का कमरा, उसी में रहते हैं दुष्यंत का परिवार। वो भी किराए का मकान है। पूरा परिवार सरकार का दीवाना है। आर्थिक नगरी इंदौर में एक में से एक अरबपति करोड़पति की चाहत है सरकार उनके घर चरण डालें। परंतु चले, लेकिन हमारे सद्गुरु की असीम चाहते हैं उसके अन्य भक्त, वो अमीर हो गरीब हो, उससे गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भभूति वितरण के कार्यक्रम से अचानक निवास की ओर ना जाकर सीधा गुरुदेव ने आदेश दिया, गाड़ी दुष्यंत के घर की तरफ ले के चलें। सकरी गली में एक घर के बाहर जा कर गाड़ी रुकी। दुष्यंत और उसका पूरा परिवार कृतकर्ण मूड बना सिर्फ गुरुदेव को निहारता रह गया। गुरुदेव ने कहा, चाय नहीं पिलाओगे? पूरा परिवार रोने लगा। उन्हें ये लगा रहा था कि गुरुदेव को बैठाऊं कहाँ। गुरुदेव ने कहा, मैं उसी जगह बैठूंगा जहाँ आपका पूरा परिवार रहता है। बच्चों के संग मस्ती करते देखो, आप सब अकंबब होकर गुरुदेव को देख रहे हैं। ये फोटो जो हैं, आज उन्हीं के परिवार के फोटो के, उन्हीं के घर के फोटो हैं। हिंदुस्तान के इतने बड़े संत और साक्षात बालाजी के स्वयं रूप गुरुदेव आज स्वयं गरीब की कुटिया में आए हैं। पूरा परिवार नतमस्तक, पूरा मोहल्ला नतमस्तक गुरुदेव के चरणों में हुआ। बताया दुष्यंत के परिवार में इतना आकर्षण था, वो उन्हें खींचकर उनके घर तक ले आए। यह है सद्गुरु, अपनी महिमा का अपार है। हे सद्गुरु, आपकी महिमा का अपार है। आपको बारंबार प्रणाम है। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। ये जो आप बागेश्वर धाम के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ, ये बागेश्वर धाम के जो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी हैं, जो गुरु जी हैं, ये भेदभाव नहीं करते हैं। और ऐसे समझ लीजिए, गरीब हो या अमीर हो, सबको एक समान समझते हैं। ये तो गरीबों के घर भी जाते हैं और अमीरों के घर भी जाते हैं। भगवान की जिन पर कृपा हो जाए, उन्हीं पर बागेश्वर धाम कृपा क्यों न करें। बालाजी की कृपा आज इनके ऊपर हुई है। लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, अपने अपने चर्चाओं में कह रहे हैं, अब इनके दिन बदल जाएंगे, अब ये भी गरीब नहीं रहेंगे, इनका भी अपना मकान होगा। भगवान इन पर कृपा करें। हम तो यही कहेंगे बालाजी के, इन पर कृपा करें। आप भी कृपा चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। देखिए महाराज जी कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो यही कहेंगे, अगर महाराज जी से जुड़ना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर अपनी वीडियो लाते रहते हैं। जैसा आज भभूति वितरण का प्रोग्राम था, वैसे ही महाराज जी का ये चित्र है, जो महाराज जी अचानक आपने निवास स्थान पर छोड़ कर यहाँ दुष्यंत के घर पहुँचे और वहाँ पर चाय का नाश्ता करा। इसके बाद बाहर निकले महाराज जी तो क्या देखा, एक छोटी बच्ची में भूत ने घेर रखा था। महाराज जी ने कहा, हमें तो भूतों से खेलने की बहुत अच्छी आदत है और भूतों से खेलना हमें बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी ने बच्ची को ठीक किया और भूत उसके ऊपर से हटाया। क्या आप भूत पलितों से परेशान हो, या आप किसी चीज़ से परेशान हो? क्या आपके घर में सेवरकत नहीं आती? क्या आपका पति शराब पीता है? क्या आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है? क्या आप
कि शरीर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, तो आप ये हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम महाराज के बारे में आपको चर्चा लाते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय हो। और जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से महाराज जी से, और कब कैसे प्रोग्राम होते हैं सब जानकारी हम YouTube चैनल पर देते हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।